मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन की दुनिया में। दोस्तों, करंट हेवन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होना चाहिए, आपका सोच होनी चाहिए करंट। दोस्तों, हर एक एग्जाम के व्यू से आपको करंट पूछा जाता है, तो आज हम देखेंगे इस करंट की वीडियो में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो में जो टॉपिक वाइज है सीरीज आपका जो शाम को आती है दोस्तों, इसमें आज हम देखेंगे कि हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 जो जारी किया गया है, इसमें कितने देश हैं, इस देशों में भारत का कौन सा रैंक है, शीर्ष 10 देश कौन से हैं, उनके कैपिटल करेंसी क्या है। दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे यह वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की क्राइटेरिया क्या होती है, किस आधार पर निकाली जाती है, इसके बारे में भी हम गहनता से अध्ययन करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा दोस्तों, क्योंकि मात्र छोटी सी वीडियो है, आप इसको 2 से 3 बार भी देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट याद रखेंगे 2021 है, इस 2021 का जो है दोस्तों ये नौवीं रिपोर्ट है दोस्तों, नौवीं, यानी कि 2011 से स्टार्ट हुआ था, 2011 से यह रिपोर्ट आना स्टार्ट हुआ था इस बार का। एक मिनट दोस्तों, 2011-10-20 याद रखेंगे, 2011 से स्टार्ट हुआ था और यह रिपोर्ट इस बार का जो है 2021 का दोस्तों, याद रखेंगे ये 2021 का जो है दोस्तों, यह हमारा नौवीं रिपोर्ट है, बीच में एक साल गैप भी हुआ था, है ना। चलिए, 2021 में जारी यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में कितने देश थे दोस्तों, बता देंगे 149 कंट्री थे, जिसमें भारत की रैंक है 139वीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन अनेकों एग्जाम में बनेंगे, चाहे आप सुपर टेट के एग्जाम दें, चाहे आप अपना सी टेट का दें, या फिर कोई अदर एग्जाम दें, जैसे कि आप रेलवे, SSC, अनेक एग्जाम देते हैं दोस्तों, वहाँ पे जहाँ पे करंट अफेयर पूछी जाती है वहाँ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, है ना। चलिए, 2019 में भारत को 140वें स्थान पर बताया गया था दोस्तों, इस बार जो हुआ है सुधार हुआ है भारत के रैंक में, याद रखेंगे मित्रों, 149 देशों में भारत की रैंक 139 है, याद रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में लगातार चौथी बार फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा है, फिनलैंड दोस्तों स्कैंडिनेवियन कंट्री है, याद रखेंगे फिनलैंड स्कैंडिनेवियन कंट्री है जो लगातार चौथी बार ऊपर आई है। जितनी भी यूरोप की कंट्री है मित्रों, वह शीर्ष 10 स्थान में हमको देखने को मिल जाएंगी, अभी नीचे हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है, आगे चलिएगा। 2021 की रिपोर्ट नौवीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है और इसमें COVID-19 के प्रभाव और दुनिया भर के लोगों ने किस तरह काम किया है इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है, मतलब इस बार बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं मित्रों। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में किस आधार पर निकाला गया है, क्या इसकी क्राइटेरिया है, सब कुछ हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हमको ये देखने को मिले हैं, क्योंकि 2020 मतलब एक साल पहले, अभी एक साल भी नहीं हुआ है दोस्तों याद रखेंगे, तो वह जो हम लोग का पिछला साल जो बीता है मित्रों, वह पूरा का पूरा साल COVID-19 के प्रकोप से गुजरा है, तो उस पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है, इसके कहने का मतलब यह है, है ना। शीर्ष 10 देश की बात कर लेते हैं, तो सबसे ऊपर फिनलैंड है, फिनलैंड का कैपिटल बता देंगे हेलसिंकी और करेंसी मरक्का। आइसलैंड है, आइसलैंड याद रखेंगे दोस्तों, एक आइसलैंड है, एक ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड नाम से ग्रीनलैंड है लेकिन वहाँ पे बर्फ जमा होता है, और आइसलैंड नाम से आइसलैंड है लेकिन यहाँ पे हरियाली रहती है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ग्रीनलैंड जो है दोस्तों वो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, याद रखेंगे, अगर पूछा जाता है विश्व का सबसे ज़्यादा आइलैंड वाला देश कौन सा है, तो बताएंगे इंडोनेशिया है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। अगर बोला जाता हिंद महासागर में सबसे बड़ा आइलैंड वाला कंट्री कौन है, तो बता देंगे मेडागास्कर है मित्रों, है ना, याद रखेंगे। तो आइलैंड मतलब आइसलैंड जो है दोस्तों, ये दूसरी हैप्पीनेस में दूसरा रैंक हासिल किया है, इसका कैपिटल रिकियाविक और क्रोना यहाँ की करेंसी। तीसरा रैंक जिसका आया है दोस्तों, याद रखेंगे, डेनमार्क का आया है, कोपेनहेगन कैपिटल है, क्रोन यहाँ का करेंसी है मित्रों, याद रखेंगे। चौथा रैंक जो आया है स्विट्जरलैंड का आया है, बर्न यहाँ का कैपिटल है, स्विट्जरलैंड दोस्तों बर्न, याद रखेंगे, यहाँ पे डाकिया जो हमारा FAO है ना, यह दोस्तों डाकिया वाला, वह हम लोग का हेडक्वार्टर बर्न में ही है, याद रखेंगे मित्रों, है ना, स्विट्जरलैंड बर्न, बर्न में क्या है दोस्तों, बर्न इसका कैपिटल है और फ्रैंक इसका करेंसी हो गया। नीदरलैंड, नीदरलैंड देश है दोस्तों, नीदरलैंड, नीदरलैंड का यूरोपीय कंट्री है, इसका स्थान 5वें नंबर पे है। एमस्टरडम दोस्तों याद रखेंगे, एमस्टरडम इसका कैपिटल और गिल्डर यहाँ की करेंसी मित्रों। आगे चलते हैं, स्वीडन, स्वीडन दोस्तों याद रखेंगे, स्वीडन भी स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्वीडन भी स्कैंडिनेवियन कंट्री, स्टॉकहोम यहाँ का कैपिटल हो गया, क्रोन यहाँ का करेंसी हो गई मित्रों। जर्मनी, जर्मनी भी यूरोप की कंट्री है, याद रखेंगे, बर्लिन यहाँ का कैपिटल हो गया, ड्यूस मार्क यहाँ का करेंसी हो गई दोस्तों, यह 7वें नंबर पे आई है, याद रखेंगे दोस्तों हैप्पीनेस रिपोर्ट में। नॉर्वे दोस्तों 8वें नंबर पे है हैप्पीनेस रिपोर्ट में, ओस्लो यहाँ का कैपिटल हो गया, क्रोन यहाँ का करेंसी हो गई। न्यूजीलैंड 9वें नंबर पे दोस्तों, यह आपका ऑस्ट्रेलिया के नीचे वाला जो आइलैंड है दोस्तों न्यूजीलैंड है, वेलिंगटन यहाँ का कैपिटल है और डॉलर यहाँ का दोस्तों कह लीजिए कि करेंसी है। अभी आपने देखा होगा न्यूजीलैंड में ही दोस्तों एक कुक
कुक दोस्तों जल डमरू मध्य है, कुक जो है दोस्तों जल डमरू मध्य है, कुक आपका याद रखेंगे कहाँ पर है, न्यूजीलैंड के पास है दोस्तों। एक बॉस स्टेट है या कुक स्टेट न्यूजीलैंड में है, न्यूजीलैंड के द्वीप के बीच में है दोस्तों, और जो बॉस स्टेट है वो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, याद रखेंगे। इसी तरह 10वें नंबर पे कौन रहा है हैप्पीनेस रिपोर्ट में, तो ऑस्ट्रिया रहा है, ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना, करेंसी सीलिंग है मित्रों, याद रखेंगे। इसके बाद आ जाते हैं नीचे से पांच देश, नीचे से पांच देश दोस्तों, आपको पता होगा यहाँ पे अफगानिस्तान में तालिबानों का हमेशा हमला रहता है, यहाँ पे दोस्तों हमेशा हमला होता है, याद रखेंगे। आतंकवाद विरोधी बहुत सारे नियम कानून बनते रहते हैं यूएसए द्वारा, आपको पता होगा यूएसए के जो इस समय आपके प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और कमला हैरिस वहाँ की आपके उप राष्ट्रपति हैं भैया, ये भी याद रखेंगे आप। इसके बाद अफगानिस्तान का कैपिटल बता देंगे आप कमेंट में दोस्तों, ये 149वें नंबर पर रहा है पीनोस रिपोर्ट में, याद रखेंगे मित्रों। कितने नंबर पर रहा है, 149वें नंबर पर रहा है, इसका कैपिटल काबुल हो गया, याद रखेंगे। और जिम्बाब्वे नीचे से दूसरे नंबर पर रहा है, रवांडा नीचे से तीसरे नंबर पर रहा है, बोत्सवाना नीचे से चौथे नंबर पर रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। रवांडा का कैपिटल किगाली, अफ्रीकन कंट्री है मित्रों। जिम्बाब्वे का कैपिटल हरारे, याद रखेंगे भैया। अब देखिए लेसोथो नीचे से पांचवें नंबर पर रहा है मित्रों, ये भी याद रखेंगे आप लेसोथो, ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कैसे निकलते हैं या इसका क्राइटेरिया क्या होता है मित्रों, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपके ज्ञान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें देश को उनके नागरिक कितना पसंद है, मतलब कि समझ रहे नहीं, नागरिक कितना पसंद हैं इस आधार पर रैंक किया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। इसके बाद एक आपका संस्था है गैलफ, गैलफ वर्ल्ड पोल, गैलफ वर्ल्ड पोल के सवालों के आधार पर दुनिया के देशों की रैंकिंग की जाती है, किस आधार पर की जाती है, उसका परिणाम क्या है, और फिर उसके बाद फिर उसका परिणाम निकाल के बताया जाता है, लेकिन उसके कारक क्या है दोस्तों बता देंगे। कारक जैसे प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है, जीडीपी की बात कर रहा है, यानी याद रखेंगे। उसके बाद स्वस्थ जीवन प्रत्याशा कितनी है, इसके बाद निवासियों की राय क्या है, इन सब सारी चीज़ों को क्राइटेरिया बना के फिर हैप्पीनेस वर्ल्ड रिपोर्ट का कहा दीजिए दोस्तों, जो कि हमारा गैलप वर्ल्ड पोल है, इसके सवालों के आधार पर रैंकिंग किया जाता है। इस बार 2021 में दोस्तों याद रखेंगे ये 9वीं आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, जिसमें भारत की रैंक है 139 और 149 कंट्रियों का यह रिपोर्ट निकाला गया है मित्रों। इतनी बातें आप याद रखेंगे, 2019 में भारत का रैंक 140 था मित्रों, है ना, 140। बस इतनी बातें नहीं, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। रोज़ सुबह करंट के सेशन होते हैं डेली, उसमें स्टैटिक जीके भर के बताई जाती है, जो आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप आना न भूलें मित्रों। धन्यवाद मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने इस चैनल को, आपकी प्यार की बहुत ज़रूरत है मित्रों, दबा के शेयर करिए, जितना हो सके उतना शेयर करिए दोस्तों। चलिए धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।